हमारी जो है ना अंदर वो टोकरी मिल गई खोल। चलो भाई आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत देर इंतजार करा दिया ना तुम लोगों को। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी प्यारी प्यारी। रुको मैं दाना डाल रहा हूँ, रुको तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ। रुको तो सही, अंदर थोड़ी ना जाना तुम, हटो। अब तुमने कैसी उथल पुथल कर दी यार, हटो ना यहाँ से। रो 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 रुको अभी तुम सबको डालता हूँ, रुको बे रुको। तो जो है इसमें और हमारे खरगोश ले भाई आ जा, खरगोश भी आएगा। और ये सब रुको भाई तुम सबको डाल रहा हूँ, दाना खत्म हो गया मैं बाहर से लेके आता हूँ। हमारा रैबिट भी आ गया, आराम से खा बेटा। आज मॉर्निंग टाइम के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो ये पूरा लॉफ्ट को जो है साफ़ कर लिया है और यहाँ पर भी अच्छे से झाड़ू दे दिए। आप देखेंगे पूरा लॉफ्ट जो है नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और हमारे ये सब लोग इधर से उधर घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं। और हमारी गेट का भी आंच हमने क्लीन कर दिया है और अब जो है हमारा ये नया लॉफ्ट भी बन गया है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने डक्स को रखना है क्योंकि यहाँ पर डक्स जो है हमारे, आपको पता ही है कि हमारे जो है यहाँ पर परेशान कर रही थी। तो काफ़ी लोगों को कमेंट वगैरह मैंने कहा था बोलने का, तो उन्होंने गेस कर रहे थे कि यार यहाँ ये रखेंगे वो रखेंगे, बट यहाँ पर हम लोग डक रखने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग रैबिट रखने वाले हैं। तो आप देखिए बता दो बेटे, ये जो है ना यहाँ पर हम लोग रैबिट रखेंगे। बट अभी ये जो है मैंने यहाँ पर टेम्प्रेरी रखी है, इसको सही से हम लोग इसको मतलब बनाएंगे पूरी, इसकी सीट सेटिंग बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इनके बैठने के बनाएंगे, सब अभी बनेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और ये तो हम लोगों ने अच्छे से पूरा बना दिया है और रात में जो है हम लोगों ने इसमें डक भी बंद कर दी थी। तो अब जो है हम हमारे सारे परिंदों को उनकी डाइट देंगे। हाय दिस इज नवाब एंड वेलकम टू पैराडाइज ऑफ पेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपने अपडेट्स दिखा रहा हूँ। तो अभी जो है हमारा लॉफ्ट भी बन गया है मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, और हमारे सभी परिंदे हमारा वेट कर रहे हैं कि भाई हमें जल्दी से दाना दे दीजिए। तो यार आज मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसकी भी सफाई मैं कर दूंगा क्योंकि अब यहाँ पर हमारी डक्स वगैरह तो आनी नहीं है, तो ये अब नीड एंड क्लीन रहेगा। तो अभी हम हमारे सभी परिंदों को एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे हैं। और अभी हमारे पास जो है एक भाई आए थे आगरा से, अपने मथुरा से, और उन्होंने जो हमारा यूरोपियन का पेयर था वो लेकर चले गए। बेटा आप वीडियो बनाने दे। और अभी हमारे सभी परिंदे हमारा वेट कर रहे हैं कि भाई तू जल्दी से आओ, हमें जो है अपनी गाइड्स दे। तो हम सबसे पहले इनको चेक कर लेते हैं कि कौन कैसा है, इनकी फिटनेस क्या है। ये हमारे हंगेरियन भाई जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा फिट दिख रहे हैं। ये है हमारे कैपुचिन जो कि फिर से अंडे देने वाले हैं। ये हमारे हाना भाई, हाना देखिए आप कितनी अच्छी फिटनेस में, और इसकी क्वालिटी आप चेक कीजिए कितनी प्यारी है भाई। ये इस लेवल की क्वालिटी भाई मुझे अभी नहीं लगता कि यहाँ पर किसी के पास होगी, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटी है। मेल का पाउच देखिए, फीमेल का देखिए, मुझे इनको देख के ही खुशी हो जाती है, इसलिए मैं इन्हें सेल आउट नहीं करने वाला हूँ, अपने पास ही रखेंगे। और ये है बिग साइज किंग, आप देखिए इनका साइज कितना प्यारा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एकदम शानदार चीज़ है। हाँ देखो कैसा गुटराते हैं, इनको गुटराते हुए देख के ना आपका आधा से ज़्यादा टेंशन दूर हो जाता है। और ये ना इंडोनेशियन कलर है, आप देखो कितना ब्यूटीफुल सा लगता है यार ये देखिए। तो ये हैं हमारे किंग साहब, ये हैं हमारे अमेरिकन फेंटल और इंडियन फेंटल। देखिए आप, इनका हमने पेयर अप किया है, बट अभी इन्होंने ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो नहीं दिए, बट डेफिनेटली इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस मिलेगी हमें क्योंकि अभी फीमेल भी हीट पर है और मेल भी हीट के ऊपर है। और इसके बाद जो है हमारे दूसरे एक फ्रिल बैक के पेयर है जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है देखिए आप। और ये हमारे इंडियन फेंटल, ये भी अभी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने वाले हैं। और ये हमारा हंगेरियन की सिंगल फीमेल है। और ये हैं हमारे जो है सिल्की, अभी यहाँ पर हमने इसके ये थोड़ा सा बीमार था तो हम लोगों ने इसे यहाँ पर रखा है। और ये हमारे यूरोपियन, ये हमारी अमेरिकन सिल्की फीमेल, ये हमारा जम्बो साइज का किंग, ये बहुत प्यारा किंग है हमारा, सबसे ब्यूटीफुल सा। इसकी फीमेल आपको पता ही है ना एक्सपायर हो गई थी, कितना प्यारा, आप देखो कितनी शाइनिंग वाला, कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी की चीज़ है भाई। और ये है हमारे मस्ती खोर, चलो ऐसी वीडियो बनाने दो, चलो भागो यहाँ से। तो चलो अब मैं इन लोगों को सबसे डाइट दे देता हूँ। हम लोगों ने इन लोगों के लिए ट्रे रखी, हटो 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 हटो, सब उसके अंदर ही घुस गए।
हटो, लो कुछ इधर आ जाओ, कुछ इधर आ जाओ। ये सब लोग भी इसको आराम से खा लेंगे। और अब हमारे जो है कॉकटेल भाई, हाँ मुर्गी है, अरे खाती नहीं, फटाफट खा लेती है ये फटाफट से। अब क्या हुआ तुझे, क्या चाहिए, उधर जाना, क्या हुआ? माशाल्लाह तो ये भी अभी अच्छे हैं। तू क्या कर रहा है, तू इसको खा रही, खा जा इसको, खा जा खा जा खा जा। हमारी हीर कहाँ से गीली हो क्या बेटी, हाँ तो सही से रखे, बेरा बेरा के खाते हैं। क्या हो गया, अब इनकी बारी है, इनकी डाइट ये रखी है, ये लेते हैं और ये डाल देते हैं। हाँ बेटे, हाँ, जैसे इसको पता चलता ना कि दाना डलने वाला है तो आ जाती है, वरना इधर उधर घूमती रहती है ये मोटी। ले, इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, इसलिए ना ये दोनों साथ में नहीं खाती खाना। मोटी खा ले, जल्दी जल्दी खा ले, जल्दी जल्दी खा ले, वरना डक आ जाएगी। ये डक ना पता है इनका दाना खा लेगी, फिर इनके पास वापस आके इनका भी दाना खा लेगी। बहुत छतरी है ट्रक। खाओ बेटा आराम से खा लो तुम। और फ्रेंड्स तो भाई तो अभी बाहर है, वो तो आने नहीं वाले क्योंकि साइड वाले घर में उनका दिल रखता है। और हमारी एंजल, एंजल काफ़ी क्यूट है हमारी एंजल। हीर हीर तो अभी खाने में बिजी है, हमें इग्नोर करेंगे। और देखी देखी हीर 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 एंजल ऐसा बोलूंगी, ए चुपचाप बैठ खाना खाने दे। एक तो वैसे इतना लेट खाने डाला, ऊपर से हमारा नाम ले लेके परेशान कर रहा है। ए हीर 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 एक बार देख ले, ए हीर एक बार देख ले, इधर देख ले, इधर इधर इग्नोर एंजल। चलो भाई तुम अपना खाना खाओ, हम तो जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी अपडेट्स पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और हमारा चैनल पैराडाइज ऑफ पेट्स को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे ही शौक परिंदों का मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपनी दुआ में याद रखिए, अपने परिंदों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अच्छा